झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरबादी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने राजकीय कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट सेवा के लिए सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों और अदम्य साहस, बहादुरी एवं वीरता के लिए पुलिस पदाधिकारियों, जवानों को पदक एवं प्रशस्त्र पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी हमें हमारे पूर्वजों ने अनगिनत संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिली है। उन्होंने हमारे लिए समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया। पूर्वजों ने हमारे देश में आर्थिक विषमता को मिटाने और सामाजिक भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य तय किया था। आज हमें खुद के भीतर झांककर विचार करने की जरूरत है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने में कितना सफल हुए हैं। वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। हमारी सरकार ने गांव गांव, घर घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड के संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी का भागीदारी है। परंतु इस विषय के रास्ते में कई चुनौतियां भी आई। हमारे सरकार के गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन की जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस भयंकर आपदा के कुप्रभाव से निकलने में हमें 1.5 से 2 वर्ष लग गए। इतना ही नहीं, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों द्वारा झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़े करने का षड्यंत्र भी किया गया। परंतु जनता के अटूट विश्वास और भरोसे के बदौलत हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। मुझे पूरा विश्वास है, अगर इरादों में मजबूती हो, दिल में विश्वास हो और नियत में ईमानदारी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।